चंद बातें हुई थी कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। उससे पहले भी मैं जानता कि शुरू है नमाज के बारे में सभी किताबें भी लिखी गई हैं, मैंने छोटी मोटी किताबें लकीन किताब जुजियात के साथ मुतवलात के साथ सब कुछ आखिर इहादे के साथ लिखने की जरूरत और कोशिश की है। इख्तलाफी मसाइल पे भी कई सारी बातें हैं, मुदल्लल हैं, मुफस्सल हैं, मुफस्सल यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत अहम चीज़ें हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे? जमात से पढ़ने का तरीका अलग है, अलग से पढ़ने का तरीका अलग है। इससे पहले जुमा में मैंने जमात से नमाज के बारे में चंद बातें पेश की। मुरब्बी और मुकर्रम का हुक्म है कि उसको चंद बातें और पेश की जाए। मैंने कहा था कि सुबहान रब्बियल अजीम अगर कोई पढ़ लेता है, रुकू में जब जाते हैं तस्बीह पढ़ते हैं, कम से कम तीन मरतबा तस्बीहात का पढ़ना ये बेहतर है। जरूरी नहीं है सुन्नत, वक्त है तो अकेला नमाज पढ़ रहा है तो पांच मरतबा, कम से कम इमाम भी है तो पांच मरतबा कहे, ताकि मुक्तदी का कम से कम तीन मरतबा हो जाए। ये जो मैंने कहा था सुबहान रब्बियल अजीम अगर कोई पढ़ता जीम के साथ रुकू की तस्बीह है, असल में सुबहान रब्बियल अजीम अजीम अगर कोई अजीम पढ़ लेता है तो यह आम तौर पे तलफ्फुज सही करने में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानी है। जो फिल्म पढ़ते हैं, जो कुरान दुरुस्त करते हैं, मदरसा जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत इसी पे है कि जबान कहाँ पर किस तरह लगाएंगे, मोड़ किस तरह बनेंगे तो ये हुरूफ निकलेगा। तो आम लोगों के बस में ये नहीं है कि हर तरीके से आदमी जो है तलफ्फुज़ का इजहार कर सके। तो सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना है, अगर कोई उसको जीम पढ़ दिया सुभान रब्बियल अजीम, इमाम के पीछे हो, अकेला हो, इमाम हो, सुन्नत नमाज हो, फर्ज नमाज हो, वितर हो, वाजिब हो, कोई भी नमाज हो, अगर जीम से उसे पढ़ दिया जबान से निकल गई, यहाँ पर भी एक दकीक इख्तिलाफ है, एक मरतबा गलत पढ़ के फिर दोबारा सही पढ़ देना नमाज उसकी होगी या नहीं। एक मरतबा गलत पढ़ दिया था, फिर जब उसे पता चला अच्छा था गलत हो गया था, फिर दोबारा उसको सही करके पढ़ दिया, नमाज होगी या नहीं। लेकिन राजे कौल जिसको आम मदुल फुकहा ने इख्तियार किया है, नमाज खत्म हो जाएगी वहीं पर, नमाज फासिल हो जाएगी। कहते हैं कि जब एक मरतबा वो गलत पढ़ दिया तो नमाज तो छूट गई, जब नमाज छूट गई अब दोबारा पढ़ने से क्या होगा, नमाज तो है नहीं वो, अब दोबारा पढ़ के सही कर लेगा तो क्या मतलब उसका, कोई एतबार नहीं, नमाज तो खत्म हुई उसकी पहली मरतबा में। तो नमाज ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सुभान रब्बियल अजीम जीम अगर कोई कर दिया तो उसकी नमाज खत्म, नमाज फासिल हो गई, छूट गई, अब कोई भी नमाज हो सके मैं कह चुका हूं। अब ऐसा आदमी करेगा क्या, सुभान रब्बियल अजीम सही से कर नहीं पाता है तो सीखना पड़ेगा। हर मुसलमान के बकदरे जरूरत, जायज नाजायज हराम हलाल इतनी जरूरी चीजें हैं, जरूरी है तब तक सीखना जरूरी है, तब तक वो जो जरूरी जरूरी उलूम है उनका जो है उनको सीखने की कोशिश करे। जब तक वो सीखा नहीं है तो वहां पर सुभान रब्बियल करीम पड़ेगा, क्योंकि करीम तो छोटी का है कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुभान रब्बियल करीम कोई पढ़ लेगा, करीम का कोई खास फर्क नहीं है,
वहां पर अगर किसी से गलती से बड़ी काम हो जाए कभी काम पड़ गया तभी नमाज की वहां हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में सुभान रब्बिल अजीम जीम अगर पड़ता है दुआ की जगह दुआ की जगह तो फिर नमाज ही उसकी फासिल हो गई। और यही राचे कॉल है, यही सही कॉल है। कई चीजें हैं जिनसे नमाज खत्म हो जाती है, नमाज पास इससे पहले भी मैंने कहा था इमाम साहब से पहले अगर कोई तकबीर तहरीमा कह दिया एक सेकंड पहले भी खत्म हुआ तो उसकी नमाज खत्म, नमाज कोई नहीं उसकी मुक्तदी की, इमाम की नमाज हो जाएगी, मुक्तदी की नमाज नहीं, उससे पहले मैं बता चुका था। इसी तरह अल्लाह अकबर में चाहे वो तकबीर तहरीमा हो या रुकू में जाने की तकबीर या सत्ते से उठने सत्ते बजाने और वगैरह वगैरह इतनी तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर कहते अल्लाह की बड़ाई, इसमें भी दो मसला बहुत है। अगर कोई अलीफ को खींच देता है, आमतौर पर हाथ पर तो बहुत कम होता है क्योंकि अजान वगैरह सुनते रहते हैं तो परेशानी नहीं होती, पहले जमाने में माइक का इंतजाम नहीं था, लोग जान नहीं पाते थे, अब वो इस तरह गलती करते थे। अलीफ में अल्लाह के में जो अलीफ है उसे अगर कोई खींच दिया अल्लाह अकबर अल्लाह एक है अल्लाह अकबर, अलीफ खींचा नहीं नाम खींचा ठीक है, लेकिन अलीफ को अगर खींच दिया अल्लाह अल्लाह नहीं अल्लाह आ कर दिया तभी नमाज उसकी गई, नमाज पासी दोबारा से ही पड़ेगा तभी नमाज नहीं होगी, फिर दोबारा से उसे नियत वगैरह जो करना है वो करे या फिर दोबारा तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू करे। इसी तरह ये तो अल्लाह में अल्लाह अकबर के अल्लाह में, लेकिन अकबर में भी अल्लाह अकबर अगर कोई यहां पर भी बात खींच दिया अल्लाह, और पहला मसला जो था अल्लाह वो तो बहुत खतरनाक है, कोई अगर ऐसे ही जानबूझ के भी कहने लगे किसी को बताने के लिए किसी को सिखाने के लिए दुरुस्त करने के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी अगर कोई कहता है अल्लाह ईमान का भी खतरा है, ईमान भी जा सकता है उससे, ये तो बहुत नाजुक मसला है पहले वाले में। लेकिन दूसरे वाले में जो अल्लाह अकबर में अल्लाह अकबर अगर अकबर की जगह बार पड़ता है अल्लाह अकबर ये सही है, अगर कोई इसको कान को खींच दिया अल्लाह अकबर बार कर दिया तब भी उसकी नमाज चली गई। यहां पर ईमान का तो खतरा नहीं है लेकिन नमाज फासिल हो जाएगी। अब नमाज के दरमियान चाहे कहीं पर भी ये तकबीर इस तरह गलत पड़ दे, ये तो इमाम मुक्तदी मर्द औरतें सब के लिए यही मसला। रही बात चंद और बातें जो नमाज के बारे में बहुत अहम, मुक्तदी के बारे में तो बता चुका हूं कि मुक्तदी क्या करेगा नहीं करेगा किस तरह करेगा। कोई इमाम है या तन्हा है अकेला पढ़ रहा है, मर्द है औरत है सबके लिए यही है बराबर है, पर देखना और उसमें चंद बातों में चंद जगह जो है वो अलग है, उसमें जो है रुकू में सजदे में ये सब अलग है। यदि मैं बता रहा हूं नमाज शुरू किया अल्लाहु अकबर कह के बांध लिया, अब यहां पर भी कई बातें नमाज पर काम के लोगों में लेके कुछ आदमी है वो लगाते हैं यहाँ पर कि हाथ लेके यहाँ लगा के तो उसके बाद अल्लाह अकबर, कोई लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकता है, कोई नया लगाना चाहे कोई बात उनसे नहीं कर सकता, लेकिन ख्याल इतना रहे हथेली किबले की तरफ दोनों हथेली सीधा किबले की तरफ, ऐसा ना हो बहुत बहुत जगह देखा है ऐसा कि हथेली अपने कान की तरफ अजान नहीं देनी है, कान में अजान नहीं देनी, कान बंद करके हथेली किबले की तरफ करना है, ये कोशिश हो दोनों हथेली, अभी लगाना नहीं लगाना उसकी मर्जी है, लगाना चाहे तो लगा सकता है दूर चाहे तो दूर कर सकता है, उंगलियां आसमान की तरफ ऐसा ना हो कि ये हो जाए दोनों तरफ, ऐसा भी ना हो उंगलियां भी आसमान की तरफ। और इसको उठाने में भी तीन तरीके की बातें हैं, सबसे बेहतरीन है कि उठाकर उसके बाद तकबीर कहे फिर मानते, अगर कोई पहले तकबीर कह देता है अल्लाह अकबर तो उठा के बांधा, पहले कह दिया फिर उसको उठा के बांधा फिर भी नमाज हो गई
अगर कोई पहले बांध लिया फिर अल्लाह अकबर, फिर भी नमाज हो गई। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो हम लोग आज अपनाते हैं, पहले उठाते हैं फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बांधते हैं। और किताब में एक जगह, कई किताबों में ये लिखा भी है कि तकबीर तहरीमा कहते हुए जल्द से जल्द बांधे। अब इसी जल्दी को अरबी में नाजी कर बताते हैं, इसी वजह से ये कहते हैं कि जो आदमी पिछड़िया लग जाती है, हाथ उठाए पीछा ले गए फिर लाके बांधे, जल्दी करने में एक सेकंड भी देरी हो लेकिन देरी तो हो गई। इसीलिए मकरूह तंजीही में नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई खराब नहीं, सवाब भी वही मिलेगा, लेकिन बेहतर नहीं, पसंद नहीं शरीयत को ऐसा करना। क्योंकि तकबीर तहरीमा में जितनी जल्द हो सके आप हाथ बांधने की कोशिश करें। इसलिए अगर कोई पीछे लग जाता है, फिर लेके आता है, वही बांधने में तो कम से कम आधा सेकंड तो लग गया, वही तो देर हो गई जरा से भी, तो ये भी पसंद नहीं है। तो इसलिए ये करना कराहत से खाली नहीं। तो बैठ कर नमाज जब शुरू किया, हाथ बांध लिया, इमाम के लिए लंबी बात हो जाएगी, मुक्तदी के तो कुछ बातें बता चुका हूँ। तन्हा है वो भी, अगर इमाम है वो भी, मुक्तदी नहीं, मुक्तदी सिर्फ सना पड़ेगी तो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग से है, उसको मैं बता चुका हूँ बिल्कुल इससे पहले जुमा में, कि मुक्तदी क्या करेगा नहीं करेगा, कब क्या पढ़ेगा कब नहीं पढ़ेगा, कब तक वो खामोश हो जाएगा वगैरह, उसको सब बता चुका हूँ। अब अगर अकेला है तो वही सना, सना जो पढ़ेंगे सबके लिए, मुक्तदी को तो है वो भी बता दिया था, इमाम है वो भी सना पढ़ेगा, अगर अकेला पढ़ रहा है औरत अब पढ़ रही है वो भी सना पढ़ेगी। अब उसके बाद पहली रकात में, सिर्फ पहली रकात में सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोनों पढ़ेंगे। मुक्तदी हो तो नहीं पढ़ेगा, इमाम के पीछे हो तो वो नहीं पढ़ेगा, इमाम हो उसके लिए पढ़ना चाहिए ताकि मुक्तदी को आराम से जो है सना पढ़ने का भी मौका मिल सके, और अगर अकेला है वो भी पढ़ेगा, लेकिन पहली रकात में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। अब उसके बाद सूरत पढ़नी है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा मुकम्मल वाली, एक आयत भी छूट जाए, एक आयत भी सूरह फातिहा में भी छूट जाए गलती से छोड़ा, जानबूझ के छोड़ेगा तो नमाज खत्म हो जाएगी। इसीलिए जानबूझ के अगर कोई गलत करता है नमाज में सदर से काम नहीं चलेगा, एक अनजान में सहवन अगर ऐसा कोई करता है, कोई गलती करता है किसी सदस्य वाजिब है, एक लंबी बात है, एकदम सदस्य वाजिब है नहीं है, तफसील है, तो सूरह फातिहा पढ़ना है उसके बाद, उसके बाद सूरह फातिहा के बाद आमीन सबके लिए। अगर इमाम सूरह से किरात कर रहा है तो मुक्तदी भी आमीन कहेगा, जब इमाम साहब खत्म कर देंगे सूरह फातिहा इमाम भी आमीन कहेगा। उसके बाद अगर अकेला है तो वो भी आमीन कहेगा, मर्द है वो भी आमीन, औरत है वो भी आमीन, आहिस्ता से। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सूरह शुरू करने से पहले, ये इख्तलाफी मसाइल, लेकिन राजे कौल के मुताबिक यही है कि सूरत शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। फिर से वही कहूंगा, इमाम के पीछे की बात बिल्कुल अलग है, उससे पहले जुमा में बता चुका हूँ, इसलिए इन बातों को इमाम के पीछे हरगिज फिट मत कर, वरना फिर मसला सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर इमाम के पीछे नहीं है, या इमाम खुद है या अकेले पढ़ रहे हैं, तब जाके बिस्मिल्लाह पढ़ना है आपको। अब बिस्मिल्लाह के बाद सूरह पढ़ेंगे, सूरह में कई बातें हैं, कई तरकीब हैं, किस तरह पढ़ेंगे ये एक लंबी बात है, इसको इंशाल्लाह आइंदा कभी देखेंगे। तो सूरत पढ़ने के बाद बिल्कुल सजदा वगैरह जो हो गया बाद में करेंगे। अब जो दूसरी रकात शुरू होगी उसके शुरू में सना नहीं है, सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए, अच्छी तरह से ध्यान में बैठा लें, सना सिर्फ पहली रकात के लिए है, दूसरी तीसरी चौथी रकात के लिए सना नहीं है। इसी तरह अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ताऊ, ये भी सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए, दूसरी तीसरी चौथी रकात में कहीं पर भी अऊज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जब खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात में, खड़े होने के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अब फिर वही तरकीब, फिर सूरह फातिहा, फिर आमीन, फिर बिस्मिल्लाह, यहाँ पर भी बिस्मिल्लाह, फिर इसी तरह सूरत पढ़ेंगे। और तीसरी रकात में यही है, और तीसरी रकात में तो इतने ही बातें बहुत अहम थी, इनका जानना नहायत अहम, क्योंकि मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी,
नमाज कायम करो, कैसे पढ़ेंगे नमाज, किस तरह पढ़ेंगे, ये सब चीजों का जानना भी बहुत जरूरी है। जो जरूरी है मतलब सीखना जरूरी है। जैसे हदीस में आया था उसने हर मुसलमान के बाबत जरूरत, जरूरी है उनका सीखना भी बहुत अहम और जरूरी है, वरना तो ना मिलेगा। जैसे नमाज का सीखना, ज़कात कैसे अदा करें ये सीखना, रोजे का, ये सब जैसे जरूरी है, ऐसे इल्म का सीखना भी जरूरी है, उनका भी जरूरी है। अल्लाह ताला में समझता करें और शरीयत पर अमल करने वाला बनाए।